गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? तो ये हमारा सेशन है वो कैब के ऊपर, कि वो कैब हमें कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और क्यों करनी है, ठीक है, और कैसे कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस ये होते हैं कि हमें वो कैब कहाँ से करनी है। नहीं, सबसे पहले ये होता है कि वो कैब में होता क्या क्या है। वो कैब में देखो 5 चीज़ें होती हैं। एक होता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स, स्पेल। ये हमारी 5 चीज़ें होती हैं जो वो कैब में इंक्लूड होती है। और ऑलमोस्ट 25% वेटेज जो होती है इंग्लिश सेक्शन में वो कैब की ही होती है। मतलब आपका अगर वो कैब कंप्लीट नहीं है तो ऑलमोस्ट आपके 25% जो मार्क्स हैं इंग्लिश के, तो वो आपके मान लो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं हमारे वो कैब के होते हैं, तो वो आपके छूट सकते हैं अगर आपने वो कैब नहीं करी है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन होता है कि हमें वो कैब कहाँ कहाँ से करनी है। तो वो कैब देखो हमें सिर्फ PY को करना है, क्योंकि SSC जो है वो रिपीटेशन फॉलो करता है। मतलब क्या होता है कि जैसे CHSL है, तो जो उसके CHSL के जो एग्जाम आए हैं वो CGL में पूछ लेगा, और जो CGL के जो क्वेश्चंस आए हैं वो MTS में पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चंस क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं। ऑलमोस्ट 5 ईयर के जो पिछले 5 साल के जो वो कैब है वो ऑलमोस्ट रिपीट होते रहते हैं, कि मतलब कोई सा क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछ लिया, कोई सा क्वेश्चन किसी एग्जाम में। और कई बार क्या होता है कि CGL का जैसे 2023 का CGL के क्वेश्चन है वो दो CGL 2024 में ही पूछ लिए जाएंगे, ऐसा भी होता है कई बार। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ PY के क्वेश्चन करने हैं। PYQ और कहाँ से करने हैं, हमें करने हैं या तो किरण, पिनेकल, या फिर वट एवर जो भी तुम्हारे पास बुक है उससे कर सकते हो। तो मैं तो किरण से करता हूँ, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट 2017 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी उसमें दे रखे हैं। तो आपको लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको उसमें करने हैं, याद करने हैं। अब याद कैसे करने हैं, अब याद करने हैं आपको एक मतलब पांच पांच करके, पांच पांच, दस दस, बीस बीस, पचास पचास, जैसे आपकी लर्निंग फॉर्म है वैसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले स्टार्टिंग मैंने करी थी 5 5 से, फिर 10 10 से, फिर 15। अब मैं 15 रखता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो और याद कैसे करनी है, आपने से आज 5 करे याद, ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे नए 5 करोगे, मगर पिछले जो आपने करे हैं उनको रिवीजन करना है। फिर आप थर्ड डे में जो 5 लर्न करोगे तो आपको फर्स्ट डे और सेकंड डे के रिवीजन करने हैं। फिर फोर्थ डे करोगे 5, तो थर्ड डे, सेकंड डे और फर्स्ट डे के रिवीजन करने हैं। मतलब ऑलमोस्ट जब आप 100 150 200 500 पे पहुंचोगे तो आप देखोगे कि जो आपके पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल टाइम्स आपके रिवीजन हो चुके हैं, तो वो आपको याद भी रहेंगे। तो ये हमारा इजी होता है बहुत, कि आपको याद रहेंगे क्योंकि आपने रिवीजन बहुत किया। और वैसे भी हमें कोई भी एग्जाम निकालना होता है तो मेन हमारा रिवीजन ही होता है, ठीक है। जो आपने रिवीजन किया है उसी की वजह से ही आपका एग्जाम निकलता है, कि मतलब आपने एक चीज को 100 टाइम रिविजन किया तो रिविजन के ऊपर ज्यादा होता है। तो मेन चीज हमारा ये हो गया। और फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमें ऑप्शंस भी याद करने। तो देखो आपको ऑप्शंस नहीं याद करने, आपको सिर्फ आंसर याद करने हैं और आंसर की मीनिंग क्या है, ठीक है, वो याद करनी है। जैसे वो कैम में होता है कि आपको वो सिनोनिम्स में होता है कि आपको ये आंसर है तो इसके और कौन कौन से सिनोनिम्स हैं, तो वो याद करने। मतलब आपको ऑप्शंस याद नहीं करने, आपको सिर्फ आंसर याद करने। क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे जब आप 500 600 पे जब पहुंचोगे, जैसे ऑलमोस्ट किरण में 700 800 भी हैं, किसी किसी में सिनोनिम्स में या एंटोनिम्स में 700 भी हैं 800 भी हैं। तो आप जब देखोगे तो आपने जो पहले कर रखे हैं जो ऑप्शनों में जो आंसर थे, जो मतलब ऑप्शंस जो थे वो आगे किसी क्वेश्चंस में रिपीट हो गए, तो आप वो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आंसर्स वो जो ऑप्शंस हैं वो आगे रिपीट हो गए हैं। तो हमें ऑप्शंस याद नहीं करने, हमें सिर्फ आंसर याद करने हैं। फिर मेन चीज होती है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑलिव बोर्ड पे एग्जाम दे वो मॉक देते हैं, ऑलिव बोर्ड हो गया और कहते हैं टेक्स्ट बुक हो गया, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसपे मॉक टेस्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे वोकैब होती है जो बुक में नहीं दे रखी होती, तो आप वो कैब जो नई वो कैब मिली है तो आपको एक कॉपी बनानी है, मैंने बना रखी है कॉपी, तो आप उसको वहां से नोट आउट करके अपने कॉपी में लिखना है, ऑप्शन नहीं सिर्फ आंसर आंसर। और जैसे कोई कोई लाइव मॉक देते हैं, ठीक है, मैंने आज तक लाइव मॉक नहीं दिया, ठीक है, ना ही मैंने अपने आपको चेक किया अभी तक लाइव मॉक में। तो आप वहां से लाइव मॉक में जो भी आपको आंसर्स मिलते हैं या डिफरेंट वो कैब मिलती है या फिर डिफरेंट आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिलते हैं, तो आप वो कॉपी में नोट आउट कर सकते हो। तो यही आपका वोकैब सेशन था, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपको वोकैब ऐसे ही करनी है जैसे मैंने बताया है। और अगर आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में या वो सॉरी मैं कमेंट में आप मेरे को मैसेज लिख सकते हो,
मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा और मैं सारे अपने कोई उसके रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताया था कि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज, मैंने अपनी टू डू लिस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, कि मैं जो भी रोज करता हूँ वो अपनी टू डू लिस्ट अपने टेलीग्राम पे पोस्ट करता हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका बेनिफिट क्या है कि जो रिपीटर है वो भी फॉलो कर सकता है, जो बिगनर है वो भी फॉलो कर सकता है। तो अभी मैं उसमें क्वांट रीजनिंग और वोकैबुलरी ही मतलब इंग्लिश कर रहा हूँ फॉलो। अभी मैंने जीएस स्टार्ट नहीं किया है, जीएस ऑलमोस्ट मैं 15 या 20 डे के बाद स्टार्ट करूंगा, अभी नहीं। कुछ कुछ नए बच्चे हैं जो गो थ्रू हो जाए उससे कि भाई कैसे करना है। तो यही था आपका वोकैब सेशन, और कोई कमेंट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी लाइव सब्सक्राइब आपकी इच्छा। तो मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में या फिर नई वीडियो में।